नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एग्जैक्टली हुआ क्या था?
उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों को देख वो कुछ न कर सका। मौका पाते ही उसने एक जोरदार वार उसके सर पे दे मारा। उसकी रावण जैसी बड़ी बड़ी आग उगलती आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इसी के साथ मैं आरजे वैद्य ही इस कहानी का अंत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 5:00 और वक्त आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का आपके प्यारे शो यादों का पिटारा। आप सब सुन रहे हैं रेडियो गपशप 94.3 FM। अब मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ इस शो में मेरा आखिरी गाना, डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स। मेरी आखिरी शाम आप सबके साथ, बहुत मिस करूंगी आप सबको। अलविदा, गुड बाय। कहे कुछ सब कुछ कहे, है क्या दुनिया समझ ना आए। बिन कहे कुछ सब कुछ कहे, है क्या दुनिया समझ ना आए। क्यों सब है गलत, क्यों लगता है सही। यूं ढूंढूं खुद को मैं हूं ही या नहीं। कंफ्यूजन तरफ है, क्यों है ऐसा क्यों है वैसा, क्या पहेली है। कंफ्यूजन है हर तरफ है, क्यों है ऐसा क्यों है वैसा, क्या पहेली है। मैम यस हाँ पाश, सॉरी पाश पढ़ रहे हैं ना आप? विच पेज? फिफ्टी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना
बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दहराव के उलट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दे धूप की कोई में कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। वाओ, आपको ये पूरा याद है? यही नहीं मैम, पूरी की पूरी किताब याद है। बाप रे, पोएट्री का ऐसा शौक? क्यों, हम ड्राइवर लोग नहीं पढ़ सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज डोंट माइंड। कोई बात नहीं मैम, मैं मजाक कर रहा था। बट ये पूरी की पूरी किताब व्हाई? ऐसी कोई खास बात नहीं है मैम, दरअसल एक पैसेंजर ने एक कॉपी छोड़ दी थी तो मैंने पूरी पढ़ डाली, अब तो पूरी किताब ही याद हो चुकी है। एक बात बोलूं? जी बोलिए। यू आर द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल ड्राइवर आई हैव मेट। थैंक यू। हेलो रमन। हाँ हाँ, निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं इतनी बिजी थी ना, मैं बिल्कुल भूल गई। हाँ कल ले लूँगी, सॉरी। कहा ना सॉरी, छोड़ो अब। हाँ मानती हूँ, कल शादी है और मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पर हाँ, पर कोई मिल नहीं रहा था ना मैंने स्लॉट के लिए, क्या करती, छोड़कर आ जाती। हाँ 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी, या हाँ पहुंचकर फोन करती हूँ, या ओके बाय। कितनी फूकता है, मरेगा एक दिन। अरे बुझा क्यों रहा है, मुझे भी एक पिलाना। अच्छा ले। सिगरेट पीने का मजा ना सिर्फ तेरे साथ ही आता है। तू तो जा रही है, मेरा क्या होगा? साले कछुए, तेरे बस का नहीं है। कछुआ कौन? तू और कौन? अच्छा चल छोड़, ये बता कि तेरे नए बुलेट पे मुझे राइड पे कब ले जा रहा है? शादी किसी और के साथ, बुलेट राइड मेरे साथ? तू नहीं सुधरेगा, I'm going to miss you, yeah. Vedahi! Your medicine box was left. Thank you. Mention not. Let's go, take care. Yeah, you too.
बी वेल। सब है गलत क्यों लगता है सही यूं ढूंढो खुद को मैं हूं भी या नहीं कंफ्यूजन तरफ है क्यों है ऐसा क्यों है वैसा क्या पहेली है सच से झूठ की दूरी अब देख मैम कल शादी है आपकी हाँ काफी टाइम से अवॉइड कर रही थी पर कब तक भागती भगवान हर किसी की डेस्टिनी तय करके रखती है यू कांट एस्केप इट एनीवेज कांग्रेचुलेशन मैम या थैंक यू माँ ओ आई आसो रास्ता आसो ओके बाय पोएट्री के अलावा और क्या पढ़ना पसंद है जो भी हाथ में लग जाए सब पढ़ लेता हूँ पर कोई तो फेवरेट होगा हाँ मतलब मंटो मुक्तिबोध और पाश इन सब को पढ़ना अच्छा लगता है मुझे अरे बाप रे आप तो अच्छे खासे रीडर हो आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में मुझे एक्चुअली लाइफ रिलेटेड लाइट चीजें पसंद है मोटू पतलू टाइप हाँ मोटू पतलू भी पढ़ सकती हूँ बट मोर लाइक फेरी टेल्स कॉमिक बुक्स या तो आप शादी के लिए जॉब छोड़ रहे हो हाँ एक्चुअली काम की वजह से कभी फैमिली को टाइम नहीं दे पाई बॉयफ्रेंड को भी नहीं तो या मतलब एक जॉब छोड़कर दूसरी ज्वाइन कर रहे हो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए एक्चुअली ही आल्सो डज नॉट वांट मी टू वर्क आफ्टर मैरिज सो या लगता है सही यूं ढूंढो खुद को मैं हूं भी आ रही तो कब से हो इस प्रोफेशन में तो जब से फैमिली की रिस्पांसिबिलिटीज ली है मैं दरअसल जब मेरे पिताजी गुजर गए मैंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन जॉब मिली ही नहीं मैम तो मैंने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया अब मेरे पास दो गाड़ियाँ और हैं और एक छोटी सी कैब सर्विस भी है मैम दैट्स वेरी गुड और परिवार में कौन कौन है तुम्हारे मैम जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था तब मेरी माँ चल बसी और कहने के लिए एक भाई था लेकिन वो भी अब नहीं रहा और शादी मैंने की नहीं तो आई एम लिविंग अलोन मैम I'm really very sorry. अरे don't be. मुझे अकेला रहना पसंद है. अरे सुना अगर आगे कुछ खाने को मिले तो प्लीज रोकना हाँ अरे बिल्कुल सही टाइम पे बोला आपने यहाँ थोड़ा आगे ही एक ढाबा है अगर हम वो क्रॉस कर जाते तो आगे कुछ भी मिलना मुश्किल था अच्छा मैं रोकता हूँ ओके हाँ जी
बैठो। थैंक यू। क्या ऑर्डर करूं मैम? कुछ लाइट पर गरम होना चाहिए। गरम? मैम ये लीजिए। अरे इसी की जरूरत थी। थैंक यू। पीजिए। ये जो चाय है ना, मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ कभी नहीं मिस करता। पी के देखिए। अच्छे है ना? बहुत बढ़िया। काफी ठंड है आज। हाँ थैंक यू। आप नहीं लेंगे? आप खाइए, मैं बाद में खाता हूँ। आइए ना, साथ खाते हैं। आइए जी। अरे वाह, गरम है और टेस्टी भी है। ठीक है, मतलब आपके हस्बैंड, मतलब होने वाला हस्बैंड, वो नहीं चाहते कि आप शादी के बाद भी जॉब करें? हाँ ऐसा ही कुछ है, मतलब पर्सनल लाइफ के लिए कभी कभी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। एक्चुअली हमारा काफ़ी सालों का रिलेशनशिप है और फैमिलीज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब वेट कर रहे हैं कि कब हमारी शादी हो, तो कर लेते हैं शादी। अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना। हाँ
कौन थे वो लोग? कहां से आए थे? क्या चाहिए उन्हें? तुम्हें पता था वो लोग भाग जाएंगे? नहीं पता था मैम। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था ना वो। अरे पर ऐसे लोहे का रॉड लेकर आया कहां से तुम्हारे पास ये? मैम इस प्रोफेशन में रहना हो तो थोड़ा बहुत जिगरा चाहिए होता है। मैम तुम पहुंच गए क्या? नहीं मैम, यहाँ इस रास्ते पे आगे काम चल रहा है, लेट हो जाएंगे। इस तरफ से चले, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या करूँगा? घर पहुंचा दो जल्दी प्लीज। जी जी सर। जी सर। कहाँ से आ रहा है? सर वो पैसेंजर है। जाऊँ सर? नीचे आ जाओ। अबे बाहर निकल। जी सर। सच बताया, ये लड़के है कौन? अभी तो बताया सर, पैसेंजर है। कहां से उठा कर लाए? हमारा काम नहीं है, बेमतलब देर रात तक झक मर रहा है। छूती है ना? सर मैं सच बोल रहा हूं। चेक कर सर। ऐसे चेक करते हैं? कितने साल हो गए नौकरी पे? सर वो मैं बेचारा कटले Thank you.
क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही। क्या पूछ रहे थे? आप तो जानते हो मैम इन पुलिस वालों को, शरीफ आदमी देखा नहीं कि लग जाते पैसे बनाने। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है मैम। मैम आप टायर्ड लग रहे हो, थोड़ी देर सो जाओ, रास्ता काफी लंबा है। क्या हुआ? हाँ अरे क्या हुआ? दिख रहा है लेकिन हुआ क्या है गाड़ी को? चलो यहां से, बहुत रात हो गई, घर पहुंचना है। ठीक करो गाड़ी को और चलो यहां से। क्या मुसीबत है, कुछ बोल रही हूं मैं? मैं मशीनरी चीज है, हो जाती है खराब, मुझे मालूम थोड़ी था। क्या सर्विस कॉल कर रखा? मैम मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है। अगर आपका फोन काम कर रहा है तो एक फोन कर लूँ, मतलब एक गाड़ी आ जाएगी एक घंटे में। तुम्हारे फोन में नेटवर्क नहीं है तो मेरे फोन में मैम टेंशन सिर्फ आपको नहीं मुझे भी हो रही है, एक पप दीजिए मैम। थैंक यू। मैम एक काम करता, मैं इस तरफ जाके देखता हूँ, आगे कुछ भी मिलना मुश्किल है।
ले लीजिए आप, मैं जाके देखता हूँ। और मैं? आप अंदर बैठिए, मैं अच्छे से लॉक लगा के जाता हूँ। मैं यहाँ अकेली जंगल में बैठी रहूँ और तुम वहाँ घूमते फिरोगे? तो क्या करें मैम, क्या ऑप्शन है फिर? आप मेरे साथ घूमते रहोगे जंगल में? चलो। अरे मैम, मैम, अरे रुको एक मिनट। मैम ध्यान से, जंगल का रास्ता है। अरे कहाँ गए? क्या नाम भी नहीं पूछा मैंने उससे। हेलो, कहाँ गए तुम ड्राइवर?
हेलो, मैं आपको बाहर ढूंढ रहा था। मैंने देखा आसपास में कोई नहीं है। आज मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। मैं एक मिनट है, देखता हूँ कुछ। आपको भूख लग रही होगी ना? एक मिनट मैम, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है? अरे यार, खराब हो गया तो। खाली पेट दिमाग काम ही नहीं करता है मेरा। क्या खाए, क्या करे? खाओगे आप बताओ? बटर चिकन। चंगे जी,
पेपर चिकन। हाँ बहुत मजा आएगा आपको, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, सब लोग तारीफ करते हैं। कौन हो तुम, क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? नाटक बंद करो, चलो यहां से। खाने का स्वाद तभी आता है जब हर चीज सही मात्रा में हो, है ना? यस, सही लग रहा है। वो क्या है ना मैम, बैलेंस बना रहता है। बड़ा हो गया। असली मजा इसके मैरिनेशन में। लेकिन पेपर चिकन का प्रोसेस एकदम अलग है, उसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है। ये बात बताऊं मैं, मुझे ना ये पहले अच्छा नहीं लगता था सब कुछ, ये खून में लदे हुए पीसेस को ऐसे टच करना बहुत गंदा लगता था। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा खाना है तो करना पड़ेगा, तो क्या करता। उसके बाद से मैं इसे बहुत दिल लगा के करता। क्या कर रहा हूँ मैम? ये वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोल रहा हूँ Thank you.
अब तो आप चल भी नहीं पाओगी। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? क्या मिला आपको? मुझे आपको ऐसे बांधना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, नॉन वायलेंस आपको पसंद ही नहीं है। कभी गांधी जी को भी पढ़ लिया, बहुत सही थे। गजब की चीज है, ये ठंड में भी ना अंदर की गर्मी को खत्म नहीं होने देती। पता है मेरी मम्मी क्या कहती है कि ये फायरप्लेस का ये पूरे घर को नहीं जला देती। ऐसा होता है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइट आ गई। चिकन बनाता हूँ मैं। बहुत जोर से मार दिया। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कुछ मैम, स्वाद को अगर बरकरार रखना हो ना हमेशा के लिए, तो उसका हर चीज का संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। मैम, आजकल ना सब लोग पाउडर मसाला यूज करते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मसाले का असली मजा तो ऐसे क्लासिक स्टाइल में ऐसे पीस पीस कर ही आता है।
अनबिलीवेबल। और हाँ, काली मिर्च, वो भी सफेद वाली। पता है, इस दुनिया में सबसे पहले यही आया था और अभी भी गंदा दिखता है, है? गया वो? अब चिकन को पकने देना है। ये पकने का काम बहुत पका होता है, इसमें बहुत सब्र की जरूरत पड़ती है। एक तरफ आप भूख से तड़प रहे होते हो और दूसरी तरफ इसकी खुशबू से तरस रहे होते हो। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बहुत मासूम सा। वो स्कूल में पढ़ता था, आप भी स्कूल में पढ़ते थे। वो आपको बहुत पसंद करता था और शायद आप भी उससे। क्या स्कूल में? कब, कहां, कौन? देखा, आप सब भूल गए, यही प्रॉब्लम है। ये आजकल का प्यार ना, दो मिनट का इंस्टेंट नूडल हो गया। सब कुछ बस फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसे थोड़े होता है। नॉनसेंस ही तो था मेरा भाई, नहीं तो
तो सुइसाइड करता। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और जितने भी बाद में बने वो सब जिंदा है और सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है। तुम मुझे कोई और समझ रहे हो? तुम चलो मेरे घर, मैं सब भूल गया। क्या चिकन भग गया? खुशबू आ रही है? ठीक है, आ रहा हूं। मैम, बस चिकन रेडी, अब करते हैं इसका गार्निशिंग। नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना। पेपर चिकन बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया है। तुमसे कुछ समझा रही हूं, सुनना ही नहीं है। जाने दो मुझे। क्यों ऐसा कर दिया? क्यों? मैंने आपको टॉर्चर किया, टच किया आपको, नहीं ना? तो फिर क्यों ऐसा कर रहे? हद हो गई। अरे मैं इतना प्यार से आपके लिए चिकन बना रहा हूँ और आप चिल्ला रहे। प्लीज मत करो मैम, प्लीज। ठीक है, क्या कर रहा हो? क्यों चला रहा हो? मैं बात कर रहा हूं ना।
सब सेट हो गया। आपको मानना नहीं है और ना ही मुझे आपको मानना है। अच्छा हुआ मुझे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही मेरे मेहमान बनकर रहो, मैं रोज़ अच्छे अच्छे रेसिपी बना के खिलाऊँगा। पेपर चिकन अच्छा था ना? कौन था किससे बातें कर रहे थे तुम? प्लीज बोलो ना, किससे बातें कर रहे थे तुम? अच्छा मत बताओ, इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे मिल रहे? मैं डबल दूंगी, जाने दो मुझे प्लीज। कितने पैसे मिले हैं बताओ? बता देता हूं, हाँ।
बहुत थक गया मैं आज। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ? वॉशरूम। सुसु यहीं कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या? प्लीज एटलीस्ट प्लीज। Thank you. ये अच्छा किया आपने, खुदा के बैठ गए। चलिए आप हाथ दीजिए पीछे। प्लीज मत बांधो, बहुत दुखता है सच में। चलिए एंजॉय कीजिए थोड़ी देर। थैंक यू। क्या कहा आपने? पेन ना, दर्द। पता है मैम, दर्द में भी ना एक अलग नशा होता है, कभी कभी बहुत सुकून देता है। आप मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हो ना? दर्द को ले जो बात कहा मैंने, हाँ नशा से ज्यादा है। आपको पता है मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बचपन से ही पता कि ये सब अच्छी बात नहीं होती, ये नशा वशा करना। मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ इसलिए मैं खुद को बहुत बांध के रखता हूँ। क्या कहते हो आप लोग, खुद को सही साबित करके रखना भी एक नशा होता है, ऐसे कुछ कहते हैं? हाँ ऐसे ही बोलते हैं। थोड़ा पानी मिलेगा? अभी सुसु करके आया ना सारा, फिर पानी पियोगे। लेकिन लोग बोलते कि पानी मांगे तो उसे दे देना चाहिए।
थैंक यू, गेट वेल सून। वो ड्राइवर भी इसी हॉस्पिटल में है, उसे भी पूछताछ करनी होगी। ही इज हियर? या, ही इज हियर। हालत खराब है लेकिन होश में है। मुझे मिलना है उससे। क्यों? आई नीड टू मीट हिम। ये लड़की करती क्या है? सर, रेडियो में कहानियां सुनाती है। सर, एनी क्लू? क्यों किया? नॉट येट, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, विल इन्फॉर्म यू। एक्सक्यूज मी, पेशेंट क्या ज़ाइप्रेक्स ले रही थी? हाँ, पर पूछने की कोई खास वजह? नहीं, देख रहे हैं। कैसी है तबीयत? मैं तो ये पुलिस वाले पूछ रहे थे, नहीं मतलब उसने किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट वगैरह तो नहीं किया होगा? व्हाट? अरे बोल दो ना, दे वांट टू नो। पुलिस वालों को अगर मुझसे कोई सवाल करना होता तो मुझसे सीधे सीधे पूछ लेते। ये उन्हें जानना है या तुम्हें? आई रियली थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। अरे बोल क्यों नहीं देती अगर कुछ नहीं हुआ है तो? तुम मुझसे ऐसे सवाल करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। व्हाट, व्हाट्स रॉन्ग इन टेलिंग मी?
क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरे साथ जो हुआ, I just told everyone. I'm just asking. No, I don't want to tell you anything. I'm just asking if there's anything left. Raman, you're such an asshole. चिकन बहुत अच्छा था।